करनाल के पाम रेजिडेंसी में चल रही फिल्म किसी से ना कहना की शूटिंग करने के लिए आए हुए असिस्टेंट डायरेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पाम रेजिडेंसी में फिल्म की शूटिंग कर रहे असिस्टेंट डायरेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसकी सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचे और परिजनों को सूचना दी गई। मृतक के भाई दिनेश कुमार ने बताया कि पिछले काफी दिनों से पूरी शूटिंग यूनिट के साथ 20-25 आदमी यहां पर रुके हुए थे और फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इस मौत से शूटिंग यूनिट भयभीत है और शूटिंग रोक दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या मामला था? कल सूचना प्राप्त हुई थी कि राजेश कुमार की मौत हो गई है हार्ट अटैक के कारण, तो हम यहाँ और उनके वारसों को सूचित किया था। कागजात तैयार कर दिए हैं पोस्टमार्टम के, पोस्टमार्टम कराने के बाद डेड बॉडी उनके वारसों के हवाले कर दिया जाएगा। तो कहाँ पे थे, कहाँ पे मिले? अपना ज्ञान रेजिडेंसी में रुके हुए थे। 21-21 को आए थे, असिस्टेंट डायरेक्टर थे। वहाँ क्या कर रहे थे? ये अपना लेट रहे थे, रेस्ट कर रहे थे अपने कमरे में, तो इनको कुछ प्रॉब्लम हुई और हॉस्पिटल ले गए थे इनको रेजिडेंसी वाले होटल वाले, तो इनकी डेथ रोड ये लाए गए। तो अब क्या कार्रवाई की जा रही है? बस इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, पोस्टमार्टम के बाद इनकी डेड बॉडी को वारसों के हवाले कर दिया जाएगा। क्या नाम है उनका? राजेश। मैं बैतूल से आया। हाँ जी, मैं बैतूल से आया, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। बड़ा बड़े भी है मेरे, मेरी इन्फॉर्मेशन मिल गया था उनके, मैं लेने की बॉडी को लेने तीन चार। तो उनको पहले प्रॉब्लम थी इस तरह की? अभी दोबारा ऐसा कुछ कैसे प्रॉब्लम थी, कैसे कुछ टाइप का प्रॉब्लम था, ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम था नहीं पहले से। यहाँ करनाल में किस लिए आए हुए थे? वो फिल्म का शूटिंग। कौन सी फिल्म की शूटिंग? किसी सेना के ना। हाँ जी, किसी सेना ऐसा कुछ है, नाम को किसी सेना के ना करके उनके ऊपर टीम 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 आई हुई थी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये बैतूल मध्य प्रदेश। हाँ जी, बैतूल मध्य प्रदेश। कितनी टीम आई हुई थी उनके साथ? 15-20 लोगों की टीम आई। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।